हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरेशम और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुलाब जामुन के ऊपर जो टिप्स हैं वो बहुत ही खास हैं। काफ़ी जन का डिमांड है कि जब भी हम गुलाब जामुन बनाते हैं तो उसके अंदर हार्ड गुट्ठी सा बन जाता है, वो नहीं बने और आपके जो गुलाब जामुन है सॉफ्ट बने, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा और ख़ास टिप मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो देखिए, ये मैंने घर पर बनाए गुलाब जामुन, अंदर इस तरीके से आप देख पाएंगे कि किस तरीके से इसमें खड्डा बैठा है और यही मेन खड्डलाकारी है। इसकी ही वजह से हमारे जो गुलाब जामुन हैं जालीदार और सॉफ्ट बैठेंगे। तो इसके क्या क्या राज हैं मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। ये भी मेरे किसी के डिमांड के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे मैंने पहले भी गुलाब जामुन का वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप गुलाब जामुन बनाएंगे ध्यान रखें तो इसका जो आटा है वो बहुत मत्थे हुए एकदम स्मूथ आटा लगाना है। उसके बाद आप आटे की इस तरीके से इक्वल लोइयां तोड़ लें। उसके बाद एक लोई लें, उसको फिर से एक बार अच्छे से स्मूथ कर लें, हाथों को अच्छा सा घी लगा लें पहले। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से खड्डा कर लें और उंगली में इस तरीके से इलायची पाउडर लगा के पहले इलायची लगाएं। उसके बाद ये मखाना है, इस ये बिना चने वाला मखाना है, खाली चीनी का है। उसके बाद इस तरीके से केसर का एक पेटल्स इस तरीके से लगा दें इसमें और इसे हम इस तरीके से धीरे धीरे उंगलियों से दबाते हुए बंद कर। ध्यान रहे कि फ्रेंड्स इसमें क्रैक बिल्कुल भी नहीं रहे। अगर इसमें क्रैक रहे तो तलते टाइम जो आपका गुलाब जामुन है वो क्रैक आएंगे उसमें, वो फटने का डर रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि इसे अच्छे से स्मूथ करें। अगर आपको लगता है कि आपकी हथेलियाँ थोड़ी रफ़ है तो उसमें हाथों में थोड़ा सा घी लगा के फिर से इसको स्मूथ कर सकती हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामुन को कर लेंगे। तो देखिए, मैं दूसरे पीस को भी आपको फिर से दिखा रही हूँ। हाथों से पहले इसको अच्छे से मथेंगे, उसके बाद इलायची लगाएंगे, उसके बाद ये जो मखाना है बिना चने वाला मखाना है इसे इस तरीके से दबाएंगे और ये केसर की एक पत्ती इसमें इस तरीके से डाल के हम अच्छे से उंगलियों से इसे पैक कर देंगे और इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आए। बारी बारी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गुलाब जामुन का। और हाथ हथेलियों से इसे कंटिन्यूसली हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से रोल करते जाना है ताकि इसमें कहीं से भी बिल्कुल भी क्रैक ना रहे। अगर ये क्रैक हुआ तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल भी अच्छे नहीं बैठेंगे और रफ़ रहा तो वो खुरदुरा बनेगा, स्मूथ नहीं बनेगा। तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो आपके गुलाब जामुन एकदम हलवाई जैसे अच्छे बनेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम कंटिन्यूसली इसे हिलाते हुए राउंड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सारे गुलाब जामुन को तैयार कर लिया है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये दो पीस मैंने साइड में रखे थे। तो देख, चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे, तलने के प्रोसेस में। तलने के टाइम में हम इसे क्या करेंगे, घी को अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। उसके बाद एक एक करके गुलाब जामुन को पहले हम कढ़ाई को इस तरीके से पकड़ लेंगे और इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से कढ़ाई को हिलाते रहेंगे और दूसरे हाथ से गुलाब जामुन को डालेंगे। एक बार में हम कम से कम 5 या 7 ही गुलाब जामुन डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। ये गुलाब जामुन फूलेंगे, थोड़ा सा इनका साइज़ भी बढ़ेगा और अगर बहुत ज़्यादा एक साथ में डालें तो ये अच्छे से नहीं सिकाई होगी। तो इस तरीके से मैं एक बार में सिर्फ 7 गुलाब जामुन ही फ्राई कर। तो देखिए, और कंटिन्यूसली मैं इस तरीके से कढ़ाई को हिलाए जा रही हूँ। मैंने इसमें अभी तक चम्मच नहीं लगाया है। अगर हम इसमें चम्मच लगाएंगे तो ये थोड़ा सा इसका जो शेप है गड़बड़ होने का चांस रहेगा। अगर हम बिना चम्मच इस तरीके से कंटिन्यूसली हिलाएंगे तो ये नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत अच्छे से इक्वली इसकी सिकाई होगी। तो मैं तो कभी कभी इसे पूरा एंड तक इसी तरीके से हिलाते हुए सेकती हूँ। अगर आप इस तरीके से नहीं हिला पाते हो तो आप इस तरीके से चलनी से इसे सेक सकती हो हल्के हल्के हाथों से। कोशिश करें कि गुलाब जामुन को एकदम टच ना करें पहले, जब ये थोड़े सिक जाए उसके बाद आप इसे अच्छे से टच कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और अब ये थोड़े सिक गए हैं इसलिए हम इसमें इस तरीके से चम्मच लगा सकते हैं। एक बार फ्रेंड्स आपको लगेंगे कि गुलाब जामुन सिक गए हैं, बट एक्चुअली में क्या होता है, जब भी हम इसको चाशनी में निकाल के डालते हैं
तो ये वापस थोड़ा सा कलर लाइट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको हल्का सा डार्क ही करेंगे, तो इसके कलर जो है बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना रेड होने के बावजूद भी मैं इसे 1 से 2 मिनट और सेकूँगी, उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। पहले हम प्लेट में इसलिए निकाल रहे हैं ताकि इसमें जो घी है वो हमारी, अब हम इसे इस तरीके से डाल देंगे। डालने के बाद हम स्टोव को धीरे धीरे हल्का हल्के हाथों से हिला लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए इस तरीके से हम हिलाते रहेंगे, इसमें बिल्कुल भी कच्ची पानी का चम्मच नहीं लगना चाहिए, और आपका ये जो टोप है थोड़ा बड़ा ही रहना चाहिए ताकि ये चाशनी पिएगी। तो ये दूसरे दिन आप देख पाएंगे कि मेरे गुलाब जामुन कितने अच्छे बने हैं, तो डेफिनेटली आपके भी अच्छे बनेंगे। फ्रेंड्स, मेरा सेकंड टिप है पिज़्ज़ा को लेके। अगर आपके घर पे ओवन ना हो तो आप किस तरीके से घर पे ही देसी ओवन यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक तवा, तवे के ऊपर मैंने रख दिया है एक स्टैंड। उसके बाद इस तरीके से मैंने पिज़्ज़ा को रेडी करके उसके ऊपर रख दिया है, और उसके ऊपर रख दिए एक वज़नदार कढ़ाई, उसे हम ढक देंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और इसे लो फ्लेम में 5 से 10 मिनट के लिए बेक होने देंगे। तो आप देख पाएंगे ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से बेक होता है। अगर नीचे से आपको लगता है कि क्रिस्पी नहीं हो रहा है तो आप हल्का सा बटर लगा के इसके रखें, मैंने हल्का सा बटर लगा दिया था पहले ही, तो देख पाएंगे बहुत अच्छा क्रिस्पी बनता है इस तरीके से पिज़्ज़ा। तो फ्रेंड्स, मेरा तीसरा टिप है पूड़ी को लेके। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे घर में गेट टुगेदर होता है और बहुत सारी पूड़ियाँ हमें बनानी रहती है, तो उसके लिए मैं एक बहुत मज़ेदार सा टिप आपके लिए लेके आई हूँ। सबसे पहले तो आप पूड़ी के आटे को अच्छे से लगा लीजिए, अच्छे से मत के इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद इसके इस तरीके से छोटे छोटे पार्टीशन कर लीजिए, जैसे देखिए मैं करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से हम पूड़ी के इस आटे को इस तरीके से तोड़ लेंगे और हाथों से इस तरीके से इसे मसलते हुए इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में लंबा हम इसे रोल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं इसे लंबा लंबा कर रही हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक चक्कू लेंगे और चक्कू लेके इसे इक्वल साइज़ में इस तरीके से हम इसे कट कर देंगे। जितनी साइज़ की पूड़ियाँ बनानी है उसी साइज़ में हम इसे कट करेंगे, और कट करके हम एक दूसरे बाउल में इसे डाल देंगे। इसी तरीके से हम सारे आटे को इस तरीके से रोल करते हुए कट कर लेंगे, और सारे लोए को इस तरीके से हम सबसे पहले तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम फटाफट करके इसे कट करके तैयार कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो पूड़ी के लिए हम जो तेल गरम करके रखे हैं उसमें से थोड़ा सा तेल इसमें इस तरीके से डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, एकदम हल्का सा डालेंगे, और हाथों से इस तरीके से सारे लोई में इस तरीके से हम फैला देंगे। इससे क्या होगा कि ये लोइयाँ एक दूसरे से चिपकेगी नहीं, और आपको जितनी भी पूड़ियाँ बनानी है सब लोई को आप इस तरीके से तैयार करके रख सकते हो, फिर आप फटाफट पूड़ियाँ बना सकते हो। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें से एक लोई उठाएंगे और इस तरीके से बेल लेंगे, तो आप देखेंगे कि तेल की वजह से इसे बेलना भी बहुत आसान हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकती और बहुत फटाफट बेली जाती है, और पूड़ियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं। ये बहुत अच्छा टिप है। जब भी हमारे घर में गेट टुगेदर होता है, 30 से 40 मेंबर का भी खाना होता है, तो हम फटाफट इस तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। इस तरीके से आप फटाफट बना बेल बेल के इसे एक साइड में रख लें और उसके बाद तल सकते हैं, तो पूड़ियाँ बहुत अच्छी भी बनती हैं और बहुत फटाफट भी बन सकती है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये मेरा टिप, ज़रूर कमेंट कीजिएगा।